हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त केके मैम और लेके आई हूं आज आपके लिए नंबर्स का पार्ट थ्री और आखिरी वीडियो। इसके बाद नंबर्स नहीं, हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में हमने ऑलरेडी नंबर का क्लासिफिकेशन कई टाइप्स देखे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स तक हम पहुंच चुके हैं। अब आखिरी के चार क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन उसमें का पढ़ते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, बट काफी आसान सी चीज है। रैशनल नंबर मतलब कोई भी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिस भी नंबर को लिखा है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। सपोज अगर मैंने 2 लिखा, बताओ मुझे 2 रैशनल नंबर है या नहीं? हाँ, 2 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 अपॉन 1 होता है। ये 1 दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि 1 बेचारा इतना इतना सभ्य है कि 1 किसी को दिखता नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में 1 रहा तो भी दिखता नहीं है, डिविजन में 1 रहा तो भी दिखता नहीं है, नीचे रहा, ऊपर रहा, कहीं रहा तो भी 1 किसी को दिखता नहीं है। तो 2/1 होता है, तो 2 ये खुद में एक रैशनल नंबर है। या फिर कई सारे एग्जाम्पल्स, 3/4, 7/8, 9/10, कोई भी फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है, जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है या जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.5, बताओ मुझे 0.5 रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, 0.5 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 का मतलब ही होता है 1/2। तो मैंने 0.5 को फ्रैक्शन के, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो 0.5 ये भी एक रैशनल नंबर है। अभी रैशनल नंबर तो समझ गया, और अभी मैम ने ही कहा है कि सारे के सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास होल नंबर भी है तो उसके भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, मतलब वो भी रैशनल नंबर हो जाता है। तो फिर इरेशनल नंबर कौन से हो गए? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो हम आसानी से सॉल्व ही नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ नंबर है अंडर रूट 2.4, इसको मैं नहीं सॉल्व कर सकती आसानी से। मैं 2.4 का ओरली रूट नहीं निकाल सकती, इसके लिए मुझे कोई और प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, कुछ तो भी और दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे लॉग टेबल नाम की एक चीज हमारे पास होती है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर मुझे मेरे मोबाइल फोन की, कैलकुलेटर की, किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको मैं ओरली नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसे नंबर्स जिनको हम ओरली सॉल्व नहीं कर सकते या जिनको हम आसानी से फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि रूट 2.4, रूट 3, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 रिकरिंग। अब इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ आसानी से, 1.732 को क्या लिखूँ मैं फ्रैक्शन। तो ऐसे जो सारे नंबर्स जिनको हम आसानी से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनको हम आसानी से फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रैशनल इरेशनल वाला क्लासिफिकेशन। अब हमारा एक आखिरी क्लासिफिकेशन बचा है नंबर्स का, वो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है? हमारे एमसीक्यूज में काफी सारे सीईटी और जेईई के कैपिटल आर आता है, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन बोला, होल नंबर्स के लिए कैपिटल डब्ल्यू बोला, इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड बोला, वैसे ही रियल नंबर्स के लिए कई बार कैपिटल आर आते हैं। तो ये रियल नंबर है क्या? ऐसे सारे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, ऐसे सारे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। जैसे कि 2 की वैल्यू 2 है, 4 की वैल्यू 4 है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 है, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 है, परफेक्ट वैल्यू है मेरे पास इन सारे नंबर्स की। या फिर अगर मैं -2 भी बोलती हूँ तो -2 की मेरे पास वैल्यू है, -2 की वैल्यू 2 है बट नेगेटिव साइड पे।
तो ऐसे सारे नंबर्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है और वो हमें पता है, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो अगर ये रियल नंबर्स हो गए, और रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से, अगर ये रियल नंबर्स हो गए तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन काफी बाद में हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन काफी बाद में क्यों हुआ ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन क्यों हुआ था, किस चीज के वजह से हुआ था, किसने किया था वगैरह वगैरह। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कभी अंडर रूट में माइनस नाइन आ गया, यहाँ पे अंडर रूट में प्लस नाइन था, उसकी वैल्यू मेरे पास थी थ्री, पर अगर मेरे पास अंडर रूट में माइनस नाइन आ गया तो मैं अभी स्क्वायर रूट में माइनस तो नहीं छुड़ा सकती, स्क्वायर रूट में माइनस नहीं छुड़ा सकती, बिकॉज अंडर रूट माइनस नाइन की वैल्यू माइनस थ्री है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जानते हैं माइनस थ्री का भी स्क्वायर प्लस नाइन ही आता है, माइनस थ्री का भी अगर मैं स्क्वायर करने गई तो प्लस नाइन ही आता है। तो अगर मैं अंडर रूट नाइन का स्क्वायर रूट निकालती हूं तो इट कैन बी माइनस नाइन और प्लस नाइन, तो प्लस प्लस माइनस थ्री में दोनों लिख सकते हो। अगर मैं अंडर रूट नाइन का स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो मैं प्लस माइनस थ्री दोनों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। पर अगर अभी गलती से मेरे पास अंडर रूट में माइनस नाइन आ गया तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ? तो इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट नाइन। अब इस अंडर रूट नाइन की वैल्यू है मेरे पास थ्री, और अंडर रूट माइनस वन को मैं कंसिडर करती हूँ एक इमेजिनरी यूनिट और उसको नाम देती हूं मैं आर। तो अंडर रूट माइनस वन को मैंने एक इमेजिनरी यूनिट कंसिडर किया है, उसको मैंने नाम दिया है आर। इस आर को हम कहते हैं आयोटा, ये आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है जो इन्वेंट किया गया ताकि ऐसे नंबर्स को हम सॉल्व कर सके, जैसे कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनमें ये आर दिखता है, ऐसे सारे नंबर्स जिनमें हमें आय दिखेगा, ये आय जो इमेजिनरी यूनिट है जिसे हम आयोटा कहते हैं, वो हमें दिखेगा, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म के होते हैं ए प्लस आई बी, जहां पे ए होता है उस नंबर का रियल पार्ट, बी होता है उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और आई होता है आयोटा जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक शुरू करेंगे तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें आसानी से समझ जाएगा। अब एक क्विक रिकैप करते हैं हमारे सारे नेचुरल, हमारे सारे नंबर्स के क्लासिफिकेशन की। नेचुरल नंबर्स वन से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इवन नंबर्स जो सारे टू से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं वन और वो नंबर खुद, कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इंटीजर्स मतलब सारी नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। उसके बाद हमने पढ़े रैशनल नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रियल नंबर्स जिनकी फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जिनमें इमेजिनरी यूनिट आई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। इसके आगे के वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।